जंगल में हमेशा ही खाने को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ शिकारी जानवर अपने से छोटे जानवरों को मारकर उनका शिकार कर लेते हैं, तो कुछ शिकारी और ताकतवर जानवरों का सामना ऐसे ऐसे जानवरों से हो जाता है जो इन शिकारियों का पिछवाड़ा तक नोच डालते हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको सीधे सीधे कमजोर जानवरों को बड़े बड़े खतरनाक और ताकतवर जानवरों का पिछवाड़ा नोचते हुए दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ जाने में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बंदर भी बहुत ज्यादा आगे होते हैं। अब चाहे इनके सामने दरिंदा मगरमच्छ क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ इस दरिंदे ने इस बंदर के बच्चे को अपना शिकार बनाया हुआ है। लेकिन इसके लिए ये शिकार बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ उस बंदर के परिवार वाले मौजूद थे और उन सब ने एक एक करके मगरमच्छ के पिछवाड़े पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे मगर को समझ में आ गया कि आज इनसे बच लो वरना पिछवाड़ा नोच डाला जाएगा। तो बेचारा यहाँ से चुपचाप भाग गया। अभी यहाँ इन दो जानवरों में साइज का बहुत ज्यादा फर्क है। कोई भी बता सकता है कि बकरी का मुकाबला अगर गाय या बैल से होगा तो कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग सा ही हो गया। देखा आपने कैसे यहाँ भारी भरकम सांड एक बकरी के प्रहार से बेहोश हो गया। अब यहाँ इस हाइना को करीब 20 जंगली कुत्तों ने घेर कर रखा है और उसे डर है कि ये कहीं उसे खा ना जाए, इसलिए वो आवाजें लगाकर अपने साथियों को बुला रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि दरिंदे जंगली कुत्ते पिछवाड़ा नोचने में माहिर होते हैं। और थोड़ी देर के बाद हाइना के साथी आ गए और उन लोगों की हिम्मत बढ़ गई, पर सिर्फ 3 हाइना से नोकझोंक करने के बाद उन जंगली दरिंदों को वहां से भागना ही पड़ा। यहां 2 शेर ग्रुप में अकेले जंगली भैंसे पर हमला कर रहे हैं, सोचकर कि दिन भर के खाने का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल गए कि इस भैंस के कुछ दोस्त हैं जो तुरंत सिंघम की तरह वहां पर पहुंच गए और एक ने तो शेर को सींग से हवा में उठाकर उड़ा दिया, जिससे उन शेरों को बुरी तरीके से फट गई और वो अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से निकल गए। और यहां तो ये शेर छुपकर इस भैंसे को झपटने के जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस भैंस की नजर इन पर पड़ गई और उल्टा भैंस ने ही इसका शिकार करने के लिए सोच लिया। अब बेचारा लंगड़ाते हुए वहां से अपना पिछवाड़ा और इज्जत दोनों बचाकर भाग रहा है। अब इस लंगड़े शेर को देखकर हाइना ने सोचा कि शेर तो बड़े कमजोर होते हैं और वो आ गया इनके इलाके में खाना चुराने। फिर बड़े मियां ने दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। वही यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब शेर अकेला पड़ गया तो हाइना ने मिलकर उस बेचारे को घेर लिया और खाने के जुगाड़ में बैठ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शेरों ने मिलकर उनका पिछवाड़ा नोच डालना है। और वही हुआ, ये लोग वहां से जान बचाकर निकल गए। अब यहां हमको पता चलेगा कि मर्द कितनी भी तेज हो, लेकिन औरत के सामने शेर भी चूहा बन जाता है। हमने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि एक बतख एक टाइगर को परेशान कर रही थी, लेकिन ये वाली तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसने तो एक साथ 3-3 मर्दों को पानी पिला रखा है। कोई भी जानवर कितना भी बदमाश क्यों ना हो, लेकिन बैल सबसे ज्यादा बदमाश होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, राइनो बच्चों की तरह हमला कर रहा है, लेकिन जब इस बैल को गुस्सा आया तो राइनो अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से भाग गया, वरना बैल तो अपना सींग उसके पिछवाड़े में घुसा देता। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये खतरनाक दानव इंसानों की उंगली करने पर हमला करता है, क्योंकि जब ये इंसान उसे वहाँ बैठे हुए देखते हैं, तब ये वहाँ मछली लेकर उसको उंगली करने पहुँच जाते हैं।
मुझे तुरंत जाओ। और मछली फंसाकर उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा वाला बंदा वीडियो बना रहा होता है। देखा आपने, इनकी हरकत देखने से लगता है शिकारी को मछली नहीं बल्कि इन दो बेवकूफों को खाने का मन था। और यकीन मानिए दोस्तों, डर की वजह से इन दोनों की पैंट तो जरूर गीली हो गई होगी, लेकिन जानबूझकर नाटक कर रहे हैं और अगली बार भी यही हरकत करने की ये कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मर्द वहां से जा चुका था। अब ये अगला वीडियो तो और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि इंसान खुद ही इस मगरमच्छ से पंगा लेने जाने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक कपड़े की मदद से वो इस मगर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो जाता है और ये मगरमच्छ इस पर बुरी तरीके से हमला कर देता है। इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि इसका हाथ मगर के मुंह में नहीं आया, वरना अंजाम तो आपको मालूम ही होगा कि इन महाराज के साथ क्या हो सकता था। खैर, आगे से शायद ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। अब अगली वीडियो हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश की है, जहां हर जगह सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां एक मगरमच्छ आ गया। लोगों को मालूम पड़ने पर उन्होंने उसे निकालने का सोचा और कोशिश में लग गए और हाथ में डंडा लेकर उसे पकड़ने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर आया तो उसे देखते ही जैसे इस आदमी की सांसें रुक गई हों। एक तो इस मगर का साइज काफी बड़ा था और अगर वो किसी को पकड़ लेता तो उसकी जान निकाल डालेगा, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं हुआ और उसे वहां से दूर ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आप वीडियो में अगर बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।